हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं हैप्पीएस्ट सीजन मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी 2020 में रिलीज हुआ था और इस मूवी को IMDb से 6.6 रेटिंग्स भी मिले हैं और इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्लिया दुभाल ने। पर स्टोरी बताने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। कहानी की शुरुआत होती है एबी हॉलैंड और हार्पर कार्डवेल से, जो दोनों करीब एक साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब क्योंकि एबी को क्रिसमस पसंद नहीं था, क्योंकि उसी दिन उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो हार्पर एबी को क्रिसमस पर खुश देखने के लिए उसे इनवाइट करती है उसके घर में, ताकि एबी पूरा हॉलीडे हार्पर और उसकी फैमिली के साथ स्पेंड कर सके। लेकिन अगले दिन हार्पर एबी को उसके घर में जाने के लिए मना कर देती है, और ऐसा हार्पर क्यों कहती है वो हम व्यूअर्स को आगे पता चलेगा। फिलहाल एबी हार्पर को समझाती है कि वो उसके घर जाना चाहती है, क्योंकि एबी को लगता है कि ये एक अच्छा मौका है खुद को हार्पर के पेरेंट्स के सामने इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये सब सुन के हार्पर ना चाहते हुए भी एबी को उसके साथ उसके घर ले जाने के लिए राजी हो जाती है। कहानी में आगे दिखाते हैं जॉन को, जो गे है और वो एबी की दोस्त है। और जॉन की खासियत ये है कि वो किसी को भी ट्रैक कर सकता है उसके मोबाइल से। तो एबी जॉन के पास इसलिए गई थी ताकि वो उसके पेट्स का ध्यान रख सके, क्योंकि वो 5 दिन के लिए हार्पर के साथ उसके घर जा रही थी। और इसीलिए एबी जॉन को एक लिस्ट देती है कि उसे क्या क्या करना है उसके पेट्स के लिए। उसके बाद एबी जॉन के साथ एक दुकान में जाती है हार्पर के लिए एक रिंग खरीदने के लिए, ताकि वो क्रिसमस के दिन सुबह को हार्पर को प्रपोज कर सके शादी के लिए। तो जब एबी रिंग खरीदने के बाद शॉप के बाहर आती है, तो जॉन एबी को प्रपोज करने के लिए मना करता है, क्योंकि जॉन को लगता है एबी हार्पर को अपनी प्रॉपर्टी बना लेगी ये रिंग देखे। और जॉन की बातें सुन के एबी उसको समझाती है कि वो हार्पर से प्यार करती है और वो उसके साथ एक लाइफ बनाना चाहती है, और लोगों को ये दिखाना भी चाहती है कि वो इस इंसान से प्यार करती है। फिर एबी जॉन को बताती है कि वो हार्पर को प्रपोज करने से पहले उसके पापा से परमिशन लेगी। ये सुन के जॉन शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एबी हार्पर के पापा से परमिशन लेने वाली थी। कहानी में आगे जब हार्पर एबी को लेकर उसके घर जा रही थी, तब रास्ते में हार्पर उसे बताती है कि हार्पर ने अभी से झूठ बोला था कि उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि वो लेस्बियन है, और वो इस क्रिसमस पर भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताने वाली कि वो लेस्बियन है, क्योंकि हार्पर के पापा को एक डोनर चाहिए उनके कैंपेन के लिए, ताकि वो मेयर बन सके। और हार्पर की फैमिली पूरा क्रिसमस पार्टी उस डोनर को इम्प्रेस करने के लिए कर रही है, और इसीलिए हार्पर नहीं चाहती कि उसके वजह से वो सारे प्लान बर्बाद हो जाए। ये सब सुन के एबी बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि उसने अपने पेरेंट्स को क्या बताया है एबी के बारे में। ये सुन के हार्पर बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स को ये बताया है कि एबी उसकी एक रूममेट है। अब क्योंकि एबी के पेरेंट्स नहीं है, तो वो बहुत अकेली है, और इसलिए एबी क्रिसमस पर उनके घर जा रही है। ये सब सुन के एबी हार्पर के घर जाने के लिए मना कर देती है। तो हार्पर एबी को समझाती है कि वो हॉलीडेज के बाद उसके पेरेंट्स को अपनी सच्चाई बता देगी। ये सुन के एबी राजी हो जाती है हार्पर के साथ उसके घर जाने के लिए। फिर जब दोनों हार्पर के घर पहुंचते हैं, तो हार्पर एबी को कहती है ये प्रिटेंड करने के लिए कि वो एक स्ट्रेट रूममेट है उसकी। ये सुनने के बाद भी एबी राजी हो जाती है प्रिटेंड करने के लिए। कहानी में आगे कार्डवेल हाउस में एबी मिलती है हार्पर के पापा टेड से, और हार्पर की माँ टिपर से, जिसे हर चीज परफेक्ट चाहिए, और हार्पर की बहन जेन से, जो बहुत ही आर्टिस्टिक है। लेकिन हार्पर की फैमिली एबी को देख के ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो अनाथालय से आई हो। और एबी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो क्रिसमस पर हार्पर के घर आई है, और ये सब देख के एबी को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर टिपर एबी को पूरा घर दिखाती है, जहाँ एबी सबसे पहले हार्पर की बड़ी बहन स्लोन की रूम देखती है, जो ट्रॉफी से भरा हुआ था, क्योंकि स्लोन बहुत इंटेलिजेंट थी और उसका पति एरिक भी। लेकिन वो दोनों अब अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ के गिफ्ट बास्केट बेचते हैं। फिर उसके बाद एबी जाती है हार्पर के रूम में, जहां एबी की नज़र सबसे पहले जाती है कॉनर और हार्पर की फोटो फ्रेम पर। वैसे मैं बता दूं, कॉनर हार्पर की एक्स बॉयफ्रेंड है और ये बात एबी को पता है। लेकिन उन दोनों की पिक टेबल में सजी हुई देख के एबी बहुत सैड हो जाती है, जो हार्पर समझ जाती है, तो वो जल्दी से वो फोटो फ्रेम एबी से लेके छुपा देती है। उसके बाद टिपर डिसाइड करती है कि हार्पर अपने रूम में रहेगी और एबी रहेगी जेन की पुराने रूम में, जहां दरवाजा लॉक नहीं होता है। तो आगे जेन एबी को वो रूम दिखाती है जहां उसे रहना था। कहानी में आगे हार्पर की फैमिली और एबी जाते हैं एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। लेकिन उस डिनर पर टिपर ने कॉनर को भी बुलाया था, तो कॉनर को वहाँ पे देख के एबी थोड़ा सैड हो जाती है। फिर हार्पर की फैमिली एबी के सामने हार्पर और कॉनर की स्टोरी बताते हैं, जहाँ एबी को कुछ ऐसी बातें पता चलती है जो हार्पर ने उससे छुपाया था।
तो वो सब बात सुन के एबी चुप रहती है और ये देख के हार्पर एबी को लेके बाथरूम जाती है और वहाँ वो एबी को समझाती है कि उसे पता नहीं था कि डिनर पर कॉनर आने वाला है और उसने एबी को वो सारी बात इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे लगा वो सारी बात बताना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब सुन के एबी उसको समझाती है कि वो उससे कुछ भी बातें शेयर कर सकती है और हार्पर को कुछ भी बातें छुपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एबी को बुरा नहीं लगेगा, वो समझ जाएगी उस बात को। कहानी में आगे जब दोनों बाथरूम से बाहर आते हैं तब हार्पर वहाँ पे देखती है रायली को। वैसे मैं बता दूँ, रायली हार्पर की एक्स गर्लफ्रेंड है। तो रायली को वहाँ पे देख के हार्पर उसे एबी से मिलाती है तो एबी घबराहट में रायली को बताती है कि वो बस हार्पर की एक रूममेट है, एक अच्छी दोस्त है, जो सुन के रायली समझ जाती है कि जरूर हार्पर और एबी के बीच कुछ तो है। लेकिन रायली ये बात उन दोनों को नहीं कहती है और एबी से अच्छे से बात करके सीधा बाथरूम जाती है और ये देख के एबी को लग रहा था कि जरूर डेजर्ट पर कोई और एक्स आने वाला है हार्पर की। फिर जब दोनों डिनर के लिए वापस जाते हैं वहाँ पे एबी थोड़ा बताती है अपने बारे में टेट को, तो टेट एबी से थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं जिससे एबी खुश हो जाती है। फिर जब डिनर करने के बाद सब घर आ जाते हैं तब हार्पर एबी को समझाती है कि पहला दिन उन दोनों के लिए अच्छा नहीं था लेकिन उन दोनों ने सरवाइव कर लिया। ये बोल के हार्पर एबी को हक करती है। उसके बाद एबी जॉन को कॉल करके अपने पेट्स के बारे में पूछती है तो जॉन बताता है कि उसने सबका ध्यान रख लिया है और वहीं पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जॉन ने फिश का ध्यान नहीं रखा और उसने फिश को खाना भी नहीं दिया, लेकिन ये बात वो एबी से छुपा लेता है। फिर जॉन उस परमिशन के बारे में पूछता है जो एबी हार्पर के पापा से लेने वाली थी। ये सुन के एबी बताती है कि हार्पर काम आउट नहीं हुई है और वो हॉलीडेज के बाद काम आउट होगी, इसीलिए एबी ने कुछ नहीं किया उस बारे में। ये सुन के जॉन एबी से पूछता है क्या वो एक लेस्बियन दोस्त के तौर पर गई है हार्पर के घर पे। ये सुन के एबी बताती है कि हार्पर के घर में सबको पता है कि वो स्ट्रेट है। ये सुन के जॉन समझाता है एबी को कि वो खुद को छुपा रही है सबसे। ये सुन के एबी बताती है जॉन को कि उसे पता है कि वो क्या कर रही है और ये हार्पर के लिए सही है। ये बोल के वो फोन रख देती है। अगले दिन सुबह जब एबी उठती है तो वो अपने सामने देखती है स्लोन के बच्चों को, जिनको देख के एबी थोड़ा डर जाती है क्योंकि स्लोन के बच्चे उसे गौर से देख रहे थे। फिर जब स्लोन अपने बच्चों को लेने वहाँ आती है तो स्लोन एबी से बिना बात किए ही अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। फिर जब एबी ब्रेकफास्ट करने ऊपर जाती है वहाँ उसको पता चलता है कि टेड और टिपर के लिए हार्पर फेवरेट है और वो दोनों हार्पर से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं और किसी भी जरूरी काम में टेड हार्पर को ही बुलाते हैं और इसलिए स्लोन हार्पर से जलती थी और कुछ भी बहाना ढूंढती थी ताकि वो हार्पर को अपने पेरेंट्स के सामने नीचा दिखा सके। कहानी में आगे जब टिपर और टेड को छोड़ के पूरी फैमिली स्केटिंग करने जाते हैं वहाँ पे हार्पर और स्लोन लड़ते रहते हैं और जेन, एरिक और एबी उन दोनों को देखते रहते हैं। आगे जब रात को सब मिलकर कंट्री क्लब में एक पार्टी में जाते हैं वहाँ एबी देखती है रायली को। फिर टेड हार्पर को लेके जाते हैं एक डोनर के पास ताकि वो डोनर टेड की कैंपेन के लिए डोनेट कर सके और वो मेयर बन जाए और यही चीज देख के स्लोन बहुत जेलस हो जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स के लिए हार्पर ही फेवरेट थी और वो नहीं थी। आगे स्लोन एबी के पास जाती है और उससे तरह तरह के सवाल पूछती है ताकि स्लोन को कुछ ऐसी बात पता चले हार्पर के बारे में जिसे सुनने के बाद उसके पेरेंट्स हार्पर पर गुस्सा हो जाए और वो उनकी फेवरेट ना रहे। लेकिन एबी ऐसा कुछ भी नहीं बताती है स्लोन को। फिर कुछ देर बाद जब हार्पर आती है एबी से बात करने के लिए तभी वहाँ पे हार्पर के दोस्त आ जाते हैं तो हार्पर उनसे बात करने लग जाती है। फिर वहाँ पे कॉनर आ जाता है और वो हार्पर को लेके कहीं और बात करने जाता है। एक तरफ कॉनर कहता है कि वो हार्पर के साथ फिर से हैंग आउट करना चाहता है जैसा वो पहले करता था। ये सुन के हार्पर कॉनर को मना नहीं कर पाती है और दूसरी तरफ एबी के सामने हार्पर के दोस्त कहते हैं कि कॉनर और हार्पर को साथ में रोमांस करना चाहिए क्योंकि कॉनर अभी भी हार्पर को लाइक करता है। ये बात सुन के एबी सैड हो जाती है और तभी जॉन कॉल करता है उसको और समझाता है एबी को कि उसे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए जो अपने प्यार के बारे में किसी को बता ना सके और जो अपनी सच्चाई छुपाए सबसे। ये सुन के एबी गुस्सा हो जाती है। फिर दोनों इस बारे में बात करते हैं। उसके बाद जॉन फोन रख देता है और तभी वहाँ पे रायली आती है और कहती है कि उसने कुछ भी नहीं सुना जो भी एबी ने कहा है, लेकिन वो रिलेट कर सकती है। ये बोल के वो पार्टी में चली जाती है और रायली ऐसा क्यों कहती है वो हम व्यूअर्स को आगे पता चलेगा। फिलहाल एबी ये समझ नहीं पाती है कि रायली क्या बोलना चाहती थी। फिर पार्टी में जब टेट अपना स्पीच दे रहा था तब हार्पर और एबी एक दूसरे के थोड़ा क्लोज हो रहे थे
और ये स्लोन देख के समझ जाती है कि जरूर उन दोनों के बीच कुछ तो है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद जब सब घर जाते हैं, तब हार्पर एबी को मैसेज करके कहती है कि वो उसे बहुत मिस कर रही है। ये देख के एबी जब हार्पर के रूम में जाने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ पे टिपर आ जाती है। तो टिपर को देख के एबी जल्दी से एक रूम में छुप जाती है और ये बात मैसेज करके वो हार्पर को बताती है। लेकिन कुछ देर बाद टिपर एबी को पकड़ लेती है, तो एबी झूठ बोलती है कि वो नींद में चलती है और गलती से वो यहाँ आ गई है। ये बोल के जब एबी अपने रूम में चली जाती है, तब वो वहाँ पे देखती है हार्पर को। उसे वहाँ पे देख के एबी बहुत खुश हो जाती है और फिर दोनों वहाँ पे इंटीमेट होते हैं। अगले दिन सुबह टिपर आके दरवाजा नॉक करती है, क्योंकि उनको सैलून के बच्चे के लिए एक टॉय चाहिए था। तो टिपर की आवाज़ सुन के दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर हार्पर जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है और दरवाजे के पीछे छुप जाती है। और जब एबी दरवाजा खोलती है, तब टिपर जल्दी से टॉय लेने जाती है। तब टेड आके टिपर को बताते हैं कि उन्होंने क्रिसमस पार्टी के दिन एक डोनर को बुलाया है उनके घर में। आगे जब टेड टिपर से इस बारे में बात कर रहे थे, तब स्लोन के बच्चे हार्पर को वहाँ पे देख लेते हैं। तो एबी उन दोनों को किसी को कुछ बताने के लिए मना करती है, तो वो दोनों चुप रहते हैं। फिर जब सब ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, तब एबी को पता चलता है व्हाइट एलिफेंट गिफ्ट के बारे में, जो बेसिकली एक गिफ्ट एक्सचेंज गेम है जो हर साल क्रिसमस के दिन पार्टी में हार्पर की फैमिली खेलते हैं। अब क्योंकि स्लोन के बच्चे को सांता क्लॉस देखना था और स्लोन को व्हाइट एलिफेंट गिफ्ट लेना था, और एबी के पास भी व्हाइट एलिफेंट गिफ्ट नहीं था, तो चारों मिलके जाते हैं मॉल में व्हाइट एलिफेंट गिफ्ट लेने के लिए, जहां स्लोन थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों को एबी के पास छोड़ के चली जाती है गिफ्ट लेने। तो तब स्लोन के बच्चे एबी से पूछते हैं कि हार्पर उनके रूम में क्या कर रही थी। तो एबी उन दोनों को झूठ बोलती है कि वो दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे। कहानी में आगे जब एबी गिफ्ट ढूंढ रही थी, तभी स्लोन के बच्चे एबी के बैग में एक नेकलेस छुपा देते हैं जो अनपेड था, और इसीलिए जब एबी शॉप से बाहर निकलती है, तो सिक्योरिटी गार्ड चोरी के इल्जाम में उसको पकड़ के ले जाते हैं और एक रूम में एबी को बिठा के पूछताछ करते हैं। कहानी में आगे जब ये बात टेड और टिपर को पता चलता है, तो उनको लगता है कि एबी चोर है, और इसीलिए टेड आगे की सोशल इवेंट्स पर एबी को ले जाने के लिए मना कर देते हैं। तो जब एबी वहाँ से हार्पर के घर वापस आती है, तो एबी सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसने चोरी नहीं किया है, लेकिन हार्पर के सिवाय कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर जब हार्पर एबी को बताती है कि उसकी फैमिली नहीं चाहते हैं कि आज रात वो उनके साथ डिनर करने जाए, वो सुन के एबी को बहुत बुरा लगता है। फिर हार्पर बताती है कि वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के बाद हैंगआउट करने जाएगी अपने दोस्तों के साथ। तो हार्पर वहाँ पे एबी को भी बुलाती है हैंगआउट करने के लिए, क्योंकि उन दोनों ने बहुत दिनों से हैंगआउट नहीं किया है साथ में। कहानी में आगे एबी बाहर जाके अकेले डिनर करती है। फिर एबी डिनर करके जब जा रही थी, तब रास्ते में वो देखती है रायली को। अब क्योंकि एबी बहुत सैड थी, क्योंकि उसको लग रहा था हार्पर की फैमिली के लिए वो बस एक आउटसाइडर है, इसीलिए उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसीलिए एबी रायली को कहती है उसे एक क्लब में ले जाने के लिए, क्योंकि उसे ड्रिंक करना था। फिर जब दोनों क्लब में पहुंचते हैं, वहां पे एबी अपना सारा स्टोरी बताती है रायली को। ये सब सुनकर रायली कहती है कि वो एबी की मदद करेगी व्हाइट एलिफेंट गिफ्ट ढूंढने के लिए। अब क्योंकि पिछले दिन रायली ने एबी को बोला था कि वो रिलेट कर सकती है, तो एबी रायली से पूछती है कि वो ऐसा क्यों बोली। ये सुनकर रायली बताती है उसकी और हार्पर की लव स्टोरी, जब वो दोनों स्कूल में पढ़ते थे और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे वो दोनों लवर बन गए और वो दोनों एक दूसरे के लॉकर में लव लेटर रखते थे। लेकिन एक दिन वो लेटर हार्पर के दोस्तों को मिल गया और वो सब इस बारे में हार्पर से पूछने लगे, तो हार्पर ने सबको बता दिया कि रायली लेस्बियन है, जिससे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स रायली से बुरा बर्ताव करने लगे। और इसीलिए रायली को लगता है कि एबी के साथ भी वही होगा जो उसके साथ हुआ था, क्योंकि हार्पर अपनी सच्चाई लोगों को नहीं बताएगी। और ये स्टोरी सुन के एबी थोड़ा सैड हो जाती है, क्योंकि हार्पर ने ये स्टोरी उसे बताया ही नहीं था। हार्पर ने बस यही बताया कि उसकी पहली गर्लफ्रेंड रायली थी और उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। आगे एबी और रायली क्लब में एंजॉय करते हैं और सॉन्ग गाते हैं। फिर जब हार्पर मैसेज करके एबी को बुलाती है हैंगआउट करने के लिए, तो एबी चली जाती है हार्पर के पास। वहाँ पे एबी देखती है कॉनर को। उसे देखने के बाद भी एबी हार्पर को कुछ नहीं कहती है, बस मुस्कुराते हुए सबके साथ ड्रिंक करती है। फिर हार्पर एबी को छोड़ के अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब हार्पर एबी से बात करने आती है, तब एबी उसको बताती है कि उसे घर जाना है। ये सुन के हार्पर कहती है कि वो कुछ देर और रहना चाहती है वहाँ पे, जो सुनने के बाद भी एबी उसे कुछ नहीं कहती है। अब क्योंकि वहाँ पे हार्पर की एक्स बॉयफ्रेंड कॉनर भी था और वो वहाँ पे उसके साथ हैंगआउट करेगी, ये जानने के बाद भी एबी हार्पर को नहीं रोकती है, वो अकेले घर चली जाती है। कहानी में आगे एक तरफ एबी हार्पर के लिए इंतजार करती है, उसको मैसेज करती है, लेकिन एक भी रिप्लाई नहीं आती है, और इसलिए एबी सो जाती है।
और दूसरी तरफ जब हार्पर और कॉनर हैंगआउट कर रहे थे, तब वहाँ से घर आते वक्त कॉनर हार्पर से पूछता है कि उन दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ। अब कॉनर ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो तब भी हार्पर से प्यार करता था और वो फिर से हार्पर के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था, और ये बात हार्पर जानती थी, लेकिन फिर भी वो कॉनर को कुछ नहीं बताती है। बस कहती है कि उन दोनों का ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस था। ये सुन के कॉनर हार्पर से पूछता है क्या कुछ ऐसा है जो उसे नहीं पता। ये सवाल सुन के हार्पर घबरा जाती है और कॉनर को बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब हार्पर ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती उसकी सच्चाई किसी को पता चले। फिर जब एबी सुबह नींद से उठती है तो वो हार्पर को चेक करने जाती है उसके रूम में, ये देखने के लिए कि हार्पर ठीक है या नहीं। लेकिन एबी के ये सब करने से हार्पर गुस्सा हो जाती है और एबी को उल्टा सीधा सुना देती है, जिससे एबी बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर हार्पर कहती है कि उसे थोड़ा स्पेस चाहिए एबी से, क्योंकि एबी उसे सफोकेट कर रही है। ये सुन के एबी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर एबी डिसाइड करती है कि वो उसी दिन हार्पर के घर से चली जाएगी, और इसलिए एबी टिकट देखती है जो बहुत पैसे दे के खरीदना पड़ेगा। वो देख के एबी सोच में पड़ जाती है कि वो अब हार्पर के घर से कैसे जाएगी। तभी जॉन एबी को कॉल करता है और उससे माफी मांगता है, क्योंकि जॉन ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था उस दिन। फिर जॉन कहता है कि वो उसके साथ है और वो कुछ भी जज नहीं करेगा। ये बोल के जॉन उससे पूछता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, जो सुन के अभी सारी बात जॉन को बताती है और जॉन से पूछती है क्या वो दो दिन यहाँ हार्पर के घर रहे या फिर चली जाए। ये सुन के जॉन बिना कुछ कहे फोन रख देता है। अब क्योंकि अभी को हार्पर के घर रहना था तो उसे व्हाइट एलिफेंट गिफ्ट चाहिए था, तो इसलिए अभी रायली को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बोलती है। तो आगे जब अभी रायली के साथ बाहर जाती है व्हाइट एलिफेंट गिफ्ट लेने के लिए, तब हार्पर उन दोनों को एक साथ देख लेती है। फिर जब एबी घर आती है तब टिपर उससे उनकी ब्रोच के बारे में पूछती है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि एबी ने उनका ब्रोच चुरा लिया है। तो टिपर की बातें सुन के एबी बताती है कि उसे नहीं पता उनके ब्रोच के बारे में। ये सुन के टिपर वहाँ से चली जाती है। फिर एबी अपना व्हाइट एलिफेंट गिफ्ट क्रिसमस ट्री के नीचे रख देती है। फिर एबी टेड को समझाने की कोशिश करती है कि मॉल में जो भी कुछ हुआ उसमें उसकी गलती नहीं है, जो सुन के टेड एबी को कहता है कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो उससे। जो सुन के एबी वहाँ से जा ही रही थी कि तभी वो हार्पर को देखती है। अब क्योंकि हार्पर ने एबी और रायली को एक साथ देखा था, इसीलिए हार्पर एबी से तरह तरह के सवाल पूछती है, तो एबी बिना कुछ छुपाए उसके सवालों का जवाब देती है। दोनों वहाँ पे बात कर ही रहे थे कि तभी टिपर आती है और हार्पर को लेकर चली जाती है। कहानी में आगे क्रिसमस पार्टी में एबी बस रायली से बात करती है और हार्पर ये नोटिस करती है। फिर जब पार्टी में कॉनर आता है तो हार्पर उससे बात करने लग जाती है, जो देख के एबी को बहुत बुरा लगता है। जो देख के रायली उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तो एबी बताती है कि कुछ दिन पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन अब उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो हार्पर को नहीं जानती है और हार्पर डर रही है लोग क्या सोचेंगे उसको लेकर। तो एबी समझ नहीं पा रही है कौन सा हार्पर रियल है। फिर एबी बताती है कि वो कल हार्पर को प्रपोज करने वाली है शादी के लिए, जो सुन के रायली उसके लिए ड्रिंक लाने जाती है। फिर पार्टी में जॉन आता है एबी को घर ले जाने के लिए। अब क्योंकि हार्पर की फैमिली यही जानती थी कि एबी स्ट्रेट है, तो टिपर को लगता है कि जॉन एबी की एक्स बॉयफ्रेंड है, और इसलिए वो उन दोनों को पार्टी में एंजॉय करने के लिए बोलती है। फिर जॉन जल्दी से एबी को अपना सामान पैक कर लेने के लिए बोलता है, क्योंकि वो तभी एबी को लेके वहाँ से जाने वाला था। जॉन की बातें सुन के एबी हार्पर की तरफ देखती है, जो बहुत खुश होकर कॉनर के साथ बात कर रही थी। वो देख के एबी हार्पर के पास जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। फिर जब एबी अपने रूम में जाती है सामान पैक करने के लिए, तब हार्पर वहाँ पर आती है और एबी को समझाती है कि उसे पता है उसने सबसे अपनी सच्चाई छुपाई है, लेकिन अगर वो अपनी सच्चाई अपनी फैमिली को बता देगी तो वो उनको खो देगी, और हार्पर अगर ये बात नहीं बताएगी तो वो एबी को खो देगी। ये बोल के हार्पर रोने लगती है, तो एबी उसको शांत कराती है और किस करती है। तो उन दोनों को किस करते हुए स्लोन देख लेती है और वो समझ जाती है कि उसकी बहन लेस्बियन है और वो ये बात सबसे छुपा रही है। तो स्लोन वो देख के सोच लेती है कि वो ये बात अपने पेरेंट्स को बता देगी, और हार्पर स्लोन को ये बात बताने के लिए मना करती है, लेकिन स्लोन हार्पर की एक भी बात नहीं सुनती है। तो दोनों जब इस बारे में बहस कर रहे थे तभी हार्पर को पता चलता है कि एरिक और स्लोन का रिश्ता भी ठीक नहीं है, वो दोनों डाइवोर्स लेने वाले हैं, और ये बात स्लोन ने किसी को भी नहीं बताया था। ये जानने के बाद हार्पर डिसाइड करती है कि वो भी स्लोन के बारे में अपनी पेरेंट्स को बताएगी, और इसीलिए स्लोन और हार्पर लड़ते रहते हैं। लेकिन फिर पार्टी में जाके स्लोन सबको बता देती है कि हार्पर लेस्बियन है और एबी हार्पर की गर्लफ्रेंड है। ये सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं और हार्पर को देखते रहते हैं।
जिससे हार्पर कहती है कि वो लेस्बियन नहीं है। स्लोन उसके बारे में झूठ बोल रही है, जो सुन के अभी बाहर चली जाती है और राइली हंसती रहती है क्योंकि वो जानती थी हार्पर कभी भी अपनी सच्चाई नहीं बताएगी। कहानी में आगे जॉन एबी के पीछे जाता है उससे बात करने के लिए। अब क्योंकि हार्पर स्लोन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी तो वो जेन की पेंटिंग तोड़ देती है स्लोन के ऊपर, जिससे जेन भी गुस्सा हो जाती है और तीनों बहन लड़ते रहते हैं। और जब बाहर एबी रो रही थी तब जॉन आता है उससे बात करने के लिए। फिर दोनों जब वॉक करने जाते हैं तब दोनों अपनी कम आउट होने की स्टोरी बताते हैं, जहां हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जब एबी ने अपने पेरेंट्स को बताया था कि वो लेस्बियन है तो एबी के पेरेंट्स ने बड़े प्यार से उसको सपोर्ट किया था। लेकिन जब जॉन ने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो गे है तो जॉन के पेरेंट्स ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था और जॉन की फैमिली ने 13 साल से उससे बात तक नहीं किया। तो जॉन अपनी स्टोरी एबी को बता के उसको यही समझाने की कोशिश करता है कि सबकी कम आउट होने की स्टोरी अलग होता है और जो लोग ऐसे होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कम आउट होना। फिर जॉन कहता है कि हार्पर कम आउट होना चाहती है या नहीं होना चाहती यह उसकी मर्जी है, इसमें एबी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि हार्पर एबी से प्यार नहीं करती है। तो जॉन की ये सब बातें सुन के एबी थोड़ा शांत हो जाती है। और पार्टी में जब राइली हार्पर से बात करने आती है तब हार्पर उससे माफी मांगती है तो राइली कहती है कि एबी बहुत अच्छी लड़की है। ये बोल के राइली वहाँ से चली जाती है। फिर जब हार्पर के घर से सारे गेस्ट चले जाते हैं, स्पेशली वो डोनार जो टेट को हेल्प करने वाली थी उसके कैंपेन के लिए, उसके जाने के बाद टेट अपनी तीनों बेटियों को बहुत सुनाता है। फिर जब एबी वापस आती है अपना सामान लेने के लिए तब हार्पर अपने पेरेंट्स को बता देती है कि वो लेस्बियन है और वो एबी से प्यार करती है। और उसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे उसके बारे में, यही सोच के उसने राइली को हर्ट किया था, लेकिन वो एबी के साथ वैसा नहीं करना चाहती है। तो ये सब बात सुन के टेड और टिपर चुप हो जाते हैं। तभी स्लोन बताती है कि वो और एरिक डाइवोर्स ले रहे हैं और वो दोनों बहुत दिनों से अलग रह रहे हैं। ये सुन के जेन भी कहती है कि सब उसे नेगलेक्ट करते हैं। तो ये सारी बातें सुन के टेड वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब हार्पर एबी के पास आके कहती है कि उसने अपने फैमिली को बता दिया है, तब एबी हार्पर को बताती है कि वो वहाँ से जा रही है क्योंकि हार्पर ने बहुत लेट कर दिया है बताने में। ये बोल के एबी अपना सामान लेने चली जाती है और हार्पर रोती रहती है। उसके बाद टिपर टेट के पास जाती है और उनको समझाने की कोशिश करती है कि उनकी तीनों बेटी अपने लाइफ में खुश नहीं है और वो ये बात अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं सकते क्योंकि उनके पेरेंट्स को सब कुछ परफेक्ट चाहिए। फिर टिपर बताती है कि वो भी उस लाइफ में खुश नहीं है और उन दोनों को ये परफेक्ट फैमिली बनाने का शौक छोड़ देना चाहिए। आगे जब तीनों बहनें एक दूसरे से माफी मांग रहे थे तभी वहाँ पे टिपर आती है और उन तीनों को बताती है कि उनके पापा को थोड़ा टाइम चाहिए ये सब एक्सेप्ट करने के लिए। कहानी में आगे जब जॉन और एबी खाना लेके दुकान से बाहर आ रहे थे तब एबी वहाँ पे देखती है हार्पर को। अब क्योंकि हार्पर एबी को ट्रैक करके वहाँ पे आई थी जो हार्पर को जॉन ने सिखाया था, तो एबी हार्पर को वहाँ पे देख के शॉक्ड हो जाती है। फिर हार्पर एबी को कहती है उसे एक और चांस देने के लिए क्योंकि हार्पर एबी के साथ रहना चाहती है। ये सुन के एबी उससे पूछती है फिर उसके पेरेंट्स का क्या होगा। ये सुन के हार्पर कहती है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, उसे बस एबी चाहिए। ये सुन के एबी बहुत खुश हो जाती है और दोनों किस करते हैं, जो देख के जॉन भी बहुत खुश हो जाता है। फिर अगले दिन कार्डवेल हाउस में स्लोन के बच्चे सबको बताते हैं कि उन दोनों ने एबी के बैग में वो नेकलेस रख दिया था और इसलिए वो दोनों एबी से माफी मांगते हैं। तो एबी उन दोनों को माफ कर देती है। कुछ देर बाद टेड आता है और वो सबको बताता है कि उसने अपनी सारी सेविंग्स उस कैंपेन में लगा दिया है, ये सोचकर कि अगर वो जीत जाएगा तो सब प्राउड फील करेंगे। फिर टेड अपने तीनों बेटियों से माफी मांगते हैं उनको ऐसा फीलिंग देने के लिए। फिर टेड कहते हैं कि वो अपनी तीनों बेटियों में वही खुशी देखना चाहते हैं जो उन तीनों ने अपने पापा को दिया। ये सब बात सुन के तीनों बेटी अपने पापा को हग करते हैं। हार्पर के फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी वो डोनर कॉल करती है जिनको टेड क्रिसमस के दिन इम्प्रेस करने वाले थे। तो वो डोनर टेड को ऑफर करते हैं कि अगर हार्पर अपनी सच्चाई सबसे छुपा लेगी फिर वो टेड के कैंपेन के लिए डोनेट करेगी, जो सुन के टेड मना कर देता है। फिर कार्डवेल फैमिली पहली बार एक फैमिली पिक लेते हैं एबी के साथ, जिससे एबी बहुत खुश हो जाती है। कहानी में आगे दिखाते हैं एक साल बाद की स्टोरी, जब एबी और हार्पर की एंगेजमेंट हो गई थी और जेन बन गई थी बेस्ट सेलिंग ऑथर उसके फैंटेसी नोबेल के लिए और टेड मेयर की इलेक्शन में जीत गया था। और इस साल क्रिसमस के दिन पूरी कार्डवेल फैमिली मिलके जाते हैं इट्स अ वंडरफुल लाइफ सिनेमा देखने। और जब मूवी स्टार्ट होता है तब हार्पर और एबी एक दूसरे को बड़े प्यार से देखते रहते हैं और यही पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। वैसे मैं बता दूं ये मूवी रोमांस ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर है और ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, तो अगर किसी को लिंक चाहिए तो वो इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं।
तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।